बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर खिलेनी सुरंग की एक ट्यूब बनकर तैयार हो गई है और दूसरी ट्यूब का काम भी तेजी से जारी है। इन दिनों पहली ट्यूब का फिनिशिंग वर्क चल रहा है और अगले कुछ दिनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर खिलेनी सुरंग एक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने से बटोत किश्तवाड़ पर सफर काफी आसान व आरामदायक हो जाएगा। इस सुरंग के बनने से यात्रियों को खिलेनी कस्बे से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक सुचारू होगी। इस डबल ट्यूब सुरंग का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था और 2024 में ये सुरंग बनकर पूरी हो जाएगी। इस सुरंग से यातायात को सुचारू होगा ही, इसका निर्माण होने से क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस सुरंग निर्माण के शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुले हैं और पिछले 3 साल से क्षेत्रीय लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय लोग इस सुरंग के निर्माण को लेकर सरकार का आभार जताते हुए कहते हैं कि इससे क्षेत्र में विकास की नई राह खुली है। राजेंद्र सिंह है, मैं सरपंच हूँ परियोत से और मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हूँ भारतीय जनता पार्टी डोडा। जी सब, आपको मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ चैनल का, और दूसरा आपने जो हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उनके मंत्री नितिन गडकरी जी का और हमारे पीएमओ में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह का और शक्तिराज परिहार जी का, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट हमें दे के हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। और ये लाइफ लाइन हमारी जो एक पुरानी हाईवे थी जो बैठ गई थी चनाब में समर्ज हो रही थी, और ये एक नया अल्टरनेट हाईवे जो दिया, इससे हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत ही अच्छी रोड बन रही है। जो भी कंपनियां काम कर रही हैं अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि अपग्रेडेशन, ये जो टनल जो बन रहा है पीछे आप देख रहे हैं, ये अपग्रेडेशन से ही बन रहा है, आज नई टेक्नोलॉजी से ही बन रहा है ये इसमें टू लाइन, दो गाड़ियाँ एक साइड से आएंगी, दो गाड़ियाँ दूसरी साइड से जाएंगी, अपग्रेड ही है ये। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी एससी मोर्चा डोडा हूं और यहां का लोकल निवासी हूं, खिलेनी निवासी हूं। देखिए, अभी हम जो है यहां पे खिलेनी जो टनल जो बन रहा है उसके वेस्ट पोर्टल में है और आप देख रहे हैं कि काम जो है बड़े ज़ोरों शोरों से यहां पे चल रहा है। तो ये जो टनल का प्रोजेक्ट जो यहां पे चल रहा है, तो ये अपने आप में जो यहां के जितने भी जो युवा थे उनको एक बहुत बड़ा रोज़गार जो है यहाँ पे मिला। ये एक डेवलपमेंटल वर्क्स है जिसमें कि लोगों को रोज़गार का जो है वो सारा काम जो है यहाँ के लोकल जितने भी बेरोज़गार लोग थे उनको सबको जो है यहाँ पे जो है रोज़गार मिला। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंटल वर्क्स है, एक डेवलपमेंटल काम है जिसमें कि लोगों को इसका फ़ायदा होता है, लोगों को इसका लोकल लोगों को जो है इसका इसमें रोज़गार मिलता है। तो इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि काम जो है बड़ी तेज़ी से बड़े अच्छे से यहाँ पे चल रहा है, बड़े मतलब कि स्पीड से काम जो है आपको कंपनी ने यहाँ पे किया, बड़े अच्छे से काम किया। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ खिलेनी ब्लॉक से। देखिए, फ़ायदा तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो फ़ायदा तो होता ही है। हम अपनी सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया हुआ है। हमारे एरिया में पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, ये मोदी सरकार की देन है। नितिन गडकरी साहब ने भी अनाउंस किया था, हमारा बाकी वाला जो काम है तो वो भी हो रहा है। टनल का काम तो डबल शिफ्ट में चल रहा है, रोडों का काम आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से है, लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। हम शुक्रगुजार हैं अपने डॉक्टर साहब के और प्रियार साहब के जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया। पिछली सरकारों में जब सर्वे होती थी इसकी, तो हम सुनते थे कि हेलीकॉप्टर से सर्वे हुई, वो बोला जाता था कि नीचे धुआं करो तो सर्वे हो जाएगी। जब से मोदी सरकार आई है, डॉक्टर साहब जी हमारे आए हैं, प्रियार साहब, हमारा प्रोजेक्ट आज की डेट में ग्राउंड लेवल पे चल रहा है और लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे बेरोज़गार लड़के जो हमारे थे उनको आज रोज़गार मिल रहा है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो अनस्किल्ड है, कुछ भी है, पूरे 80% मैं मानता हूँ कि हमारे लोकल लोग उधर काम कर रहे हैं।